Welcome to Law Gurukul. Today's video is on family law. This is the second lecture on family law. In today's video, we will study a very interesting topic from family law, that is divorce. Further, we will discuss different theories of divorce. Section 13, Clause 1 and Clause 2 of Hindu Marriage Act, which describes the grounds of divorce. And lastly, all important case laws relating to divorce in Hindu family law. So let's start. What is divorce? The Hindu Marriage Act defines divorce as a dissolution of marriage. Hindu Marriage Act कहता है किसी भी Hindu marriage का dissolution या end उसे हम divorce कहते हैं. For the interest of the society, the marriage or the marital relationship needs to be surrounded by every safeguard for the cause specified by law. हमारे Indian society में marriage एक pure sacred relation माना गया है. ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए होल सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैरिज या फिर मैरिटल रिलेशनशिप को भी लीगल प्रोविजंस के साथ प्रोटेक्ट किया गया है. अ मैरिज कैन बी डिसॉल्वड ओनली इफ वन ऑफ द स्पाउसेस इज फाउंड गिल्टी ऑफ सच एक्ट्स एंड कंडक्ट्स व्हिच अंडरमाइंड द वेरी फाउंडेशन ऑफ मैरिज. मैरिज एक बहुत ही प्योर रिलेशनशिप है, इसलिए मैरिज को अगर डिसॉल्व करना है तो हमें क्या चाहिए, एक स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए. अगर किसी स्पाउस दोनों में से कोई एक पर्सन अगर किसी टाइप का सीरियस ऑफेंस सीरियस गिल्टी एक्ट कमिट करता है तभी मैरिज को डिसॉल्व किया जा सकता है या फिर डाइवोर्स जो है वो ग्रांट किया जा सकता है. डाइवोर्स ग्रांट करने के लिए थ्री बेसिक थियोरीज है. मैरिज डिसॉल्यूशन का जो एक प्रोसीजर है इसके लिए थ्री थियोरीज बनाई गई है. फर्स्ट इज फॉल्ट या फिर गिल्ट थियोरी, सेकंड इज कंसेंट थियोरी एंड द थर्ड इज इररिट्रायबल ब्रेकडाउन थियोरी. पहले डिसॉल्यूशन के लिए मैरिज के डिसॉल्यूशन के लिए सिर्फ एक ही थियोरी थी, दैट वाज द फॉल्ट और गिल्ट थियोरी. ये जो कंसेंट थियोरी और ब्रेकडाउन थियोरी है इसे बाद में इंट्रोड्यूस किया गया. अब इन थियोरीज को वन बाय वन समझते हैं. फॉल्ट थ्योरी या फिर गिल्ट थ्योरी, अंडर दिस थ्योरी मैरिज कैन बी एंडेड व्हेन वन पार्टी टू द मैरिज इज रेस्पॉन्सिबल और लायबल फॉर द ऑफेंस अंडर मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस डन अगेंस्ट अदर अनदर स्पाउस. मैरिज में डाइवोर्स तभी ग्रांट किया जा सकता है जब दोनों में से कोई एक पार्टी व्हेन वन पार्टी टू द मैरिज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑफेंस अंडर द मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस. अगर दोनों में से कोई एक स्पाउस किसी टाइप का मैट्रिमोनियल ऑफेंस कमिट करता है, मैट्रिमोनियल ऑफेंस यानी कि कोई ऐसा एक्ट, कोई ऐसा फॉल्ट या गिल्टी एक्ट जिसकी वजह से उनका जो मैरिटल रिलेशनशिप है उनका जो मैरिज है वो अफेक्ट हो सकता है. तो इस टाइप का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए गिल्ट थियोरी के अंडर डाइवोर्स लेने के लिए. द इनोसेंट स्पाउस कैन सीक दिस रेमेडी. दो पार्टीज में से, मैरिज के दो पार्टीज में से अगर एक पार्टी किसी कोई फॉल्ट या फिर गिल्टी एक्ट कमिट करता है तो जो दूसरा पार्टी है दैट इज द इनोसेंट पार्टी वो इस रेमेडी के थ्रू डाइवोर्स ले सकता है. डाइवोर्स एक रेमेडी अवेलेबल है मैरिज के अगेंस्ट में, क्योंकि डाइवोर्स को हम ऐसे एज अ विल नहीं ले सकते हैं. ये उस इनोसेंट स्पाउस के लिए एज अ रेमेडी काम करता है, क्योंकि जिस एक पर्सन की गलती है दूसरे पर्सन की तो कोई गलती ही नहीं है, फिर भी उसे उस रॉन्ग मैरिज को झेलना पड़ेगा. तो इसलिए दूसरे पर्सन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रेमेडी बनाई गई है. वैसे रेमेडी थ्री टाइप्स की है. डाइवोर्स हो गया, फिर हमारा जुडिशियल सेपरेशन एंड वन इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. तो आज की वीडियो में हम सिर्फ डाइवोर्स को पढ़ेंगे. वी विल डिस्कस दीज टू इन द लेटर वीडियोस. सो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो इनोसेंट पार्टी है वो गिल्ट थ्योरी के अंदर दूसरे पर्सन से अपना जो स्पाउस है उनसे डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है. पहले गिल्ट थ्योरी के अंदर सिर्फ एक ही ग्राउंड था डाइवोर्स के लिए, वो था एडल्ट्री. एडल्ट्री यानी कि जो हस्बैंड या वाइफ है वो अपनी वाइफ या हस्बैंड को छोड़कर किसी थर्ड पार्टी के साथ अगर किसी टाइप का फिजिकल रिलेशन बनाता है तो वो होता है एडल्ट्री. सो पहले गिल्ट थ्योरी के अंदर सिर्फ एडल्ट्री ही एक ग्राउंड था जिसके बेसिस पर डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया जा सकता था. बट बाद में एट और ग्राउंड्स जो थे वो ऐड कर दिए गए इन फॉल्ट या फिर गिल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स. ये जो गिल्ट और गिल्ट थ्योरी या फिर फॉल्ट थ्योरी है ये हिंदू मैरिज एक्ट में एक्सप्लेन किया गया है अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 1. सेक्शन 13 क्लॉज 1 ये कहता है कि मैरिज मे बी डिसॉल्वड बाय द कोर्ट ऑर्डर ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स. सेक्शन 13 क्लॉज 1 में वो 9 ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पर फॉल्ट ग्राउंड्स है, ठीक है, 9 फॉल्ट या फिर 9 गिल्ट ग्राउंड्स है जिनके बेसिस पर जो इनोसेंट स्पाउस है वो डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है.
First ground is adultery. When the respondent has or had voluntary sexual intercourse with a man or a woman other than the spouse after the marriage. मैरिज के बाद में अगर जो स्पाउस है वो किसी थर्ड पार्टी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है या फिर किसी तरह के फिजिकल रिलेशंस बनाता है तो जो इनोसेंट पार्टी है वो ऑन द ग्राउंड ऑफ एडल्टरी कैन फाइल फॉर डाइवोर्स. सेकंड ग्राउंड इज क्रुएल्टी. द रिस्पोंडेंट हैज फिजिकल और मेंटली अब्यूज्ड द पिटिशनर. यानी किसी पर्सन को अपने स्पाउस को फिजिकली या फिर मेंटली हैरास करना, परेशान करना, इट अमाउंट्स टू क्रुएल्टी. थर्ड ग्राउंड इज डेजर्शन. डेजर्शन यानी कि अपने स्पाउस से टू इयर्स के लिए, मिनिमम टू इयर्स के लिए डेजर्ट करना, दूर रहना और दोनों के बीच में किसी भी टाइप का कोई कांटेक्ट ना होना. यानी अगर हस्बैंड या वाइफ अपने घर को छोड़ के दो साल के लिए, मिनिमम दो साल के लिए कहीं और जाके रह जाता है और इन दोनों के बीच में किसी टाइप की कोई बातचीत, कोई रिलेशन नहीं होती, उसे हम कहते हैं डेजर्शन. तो इस ग्राउंड पर हस्बैंड या वाइफ जो है वो डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है. देन कन्वर्शन टू अनदर रिलीजन. अगर शादी के बाद दोनों में से कोई एक पार्टी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है, इस ग्राउंड पर भी डाइवोर्स ग्रांट किया जा सकता है. नेक्स्ट इज अनसाउंड माइंड या फिर इनसेन. अगर मैरिज सेरेमनीज के बाद ये बात पता चलती है कि जो स्पाउस है वो ही इज नॉट इन अ फिट मेंटल कंडीशन और उन दोनों का नॉर्मल मैरिड लाइफ स्पेंड करना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे टाइम पर जो वाइफ है या फिर हस्बैंड है, जो दूसरी इनोसेंट पार्टी है, वो डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है और उन्हें डाइवोर्स मिल जाएगा. डिजीज. अगर स्पाउस को, दोनों में से किसी एक को किसी टाइप का इनक्योरेबल डिजीज है, नॉर्मल डिजीज की बात नहीं हो रही, जैसे सर्दी, जुकाम, फीवर, टाइफाइड, जॉन्डिस नहीं, कोई इनक्योरेबल सीरियस डिजीज है जिसका क्योर अवेलेबल नहीं है और जो काफी सीरियस टाइप का डिजीज है जो फिजिकली जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है. सो इन टाइप के डिजीज अगर किसी स्पाउस को है और दूसरे को पता नहीं है और बाद में पता चलती है या फिर ये डिजीज जो है वो शादी के बाद में हो जाती है, तो उस ग्राउंड पर भी डाइवोर्स ग्रांट किया जा सकता है. सेवेंथ इज रिनंसिएशन. हमारा हिंदू कोडिफाइड लॉ ये कहता है दैट द स्पाउस मे सीक डाइवोर्स इफ द अदर पार्टी हैज रिनाउंस्ड द वर्ल्ड और हैज एंटर्ड अ होली ऑर्डर. हमारे हिंदू धर्म में संन्यास का प्रोविजन है. सो अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर जो स्पाउस है वो संन्यास ले लेता है और वो अपनी गृहस्थ लाइफ को छोड़ करके साधु संतों के साथ में अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए चला जाता है, उसे कहते हैं रिनंसिएशन. सो इस ग्राउंड पर भी डाइवोर्स ग्रांट किया जा सकता है, क्योंकि जब अब वो तो अपने मैरिटल रिलेशनशिप सब कुछ छोड़ करके, त्याग करके पूजा पाठ और धर्म के कार्यों में लग गया, तो ही विल नॉट एबल टू फुलफिल हिज मैरिटल ऑब्लिगेशंस. तो अब वो हस्बैंड या वाइफ जो है वो अकेली क्या करेगी, तो इस ग्राउंड पर वो रिनंसिएशन के ग्राउंड पर वो डाइवोर्स ले सकती है, एंड देन शी कैन मैरी अनदर मैन. नेक्स्ट इज प्रिजम्पशन ऑफ डेथ. अगर रेस्पोंडेंट जो है वो 7 years के लिए उसकी कोई खोज खबर, उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है, उसके नियर और डियर वंस उनके बारे में, उनकी मतलब उनके नियर और डियर वंस को, उनके रिलेशन रिलेटिव्स में से भी किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता होता है 7 सालों के लिए, तो ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है, ऐसा मान लिया जाता है कि जो पर्सन है उसकी डेथ हो चुकी है. सो ऐसे ग्राउंड पर भी डाइवोर्स ले सकते हैं और द अदर पार्टी कैन मैरी समवन एल्स ऑन अ, एंड दैट मैरिज विल कॉल्ड अ वैलिड मैरिज. नाइन्थ ग्राउंड इज नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन आफ्टर अ डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 year. जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर की डिक्री होने के बाद में 1 साल के अंदर अगर दोनों में कोहैबिटेशन यानी फिजिकल रिलेशन वापस से नहीं बनता है विद इन 1 year, तो उन्हें डाइवोर्स ग्रांट किया जा सकता है. सो दीज वर द 9 grounds ऑफ फॉल्ट या फिर गिल्ट थ्योरी एज डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 13 clause 1. नाउ सेक्शन 13 clause 2 में 4 additional grounds हैं जिनके बेसिस पर जो वाइफ है वो डाइवोर्स क्लेम कर सकती है. ये जो 9 grounds हमने पढ़े वो दोनों के लिए, हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए, बट सेक्शन 13 clause 2 में जो 4 additional grounds है, ये 4 additional grounds सिर्फ वाइफ के लिए ही अवेलेबल है. वो 4 grounds क्या है? इफ द हस्बैंड हैज ऑलरेडी मैरिड, पॉलीगैमी वाला केस, अगर मैरिज सेरेमनीज के बाद ये पता चलती है कि उसका जो हस्बैंड है वो ऑलरेडी मैरिड था और उसकी जो वाइफ है, अर्लियर वाइफ, वो अलाइव है, तो जो न्यू वाइफ है शी कैन अप्लाई फॉर डाइवोर्स अंडर सेक्शन 13 clause 2. द हस्बैंड आफ्टर मैरिज हैज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी एंड बेस्टियलिटी. अगर शादी के बाद हस्बैंड इन क्राइम्स को कमिट करता है, ही इज गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी यानी अननेचुरल सेक्स ऑफेंस
इस टाइप की किसी एक्ट को, ऑफेंस को वो कमिट करता है, तो इस ग्राउंड पर भी वाइफ जो है वो डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है. कोहैबिटेशन हैज नॉट रिज्यूम्ड विद इन अ ईयर आफ्टर एन ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 एंड सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट. 125 में मेंटेनेंस का ऑर्डर मिला हुआ है और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के भी सेक्शन 18 में मेंटेनेंस का ऑर्डर मिला हुआ है. इसके एक साल के अंदर, यानी ये जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है इसके बाद के एक साल में अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में दोनों कोहैबिट नहीं होते, यानी दोनों एक साथ नहीं रहते, दोनों फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाते हैं, तो वाइफ जो है वो डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है. फोर्थ इज द वाइफ वॉज अंडर एज वेन शी वॉज मैरिड एंड शी रिपीटेड सी मैरिज बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स. अगर जैसे तो हमारा, हमने पढ़ा है कि मैरिज के लिए जो है वो एज 18 ईयर्स होनी चाहिए फॉर फीमेल, बट अगर, क्योंकि पहले के टाइम में शादी तो पहले हो जाती थी, तो अगर वाइफ की एज 15 ईयर्स है, यानी वो 18 ईयर्स से कम है, तो वो 18 ईयर्स अटेन करने के पहले ही इसी ग्राउंड पर सेक्शन 13 क्लॉज 2 के अंदर मैरिज को खत्म करने का डाइवोर्स लेने के लिए अप्लाई कर सकती है. सो दीज आर द फोर एडिशनल ग्राउंड्स अवेलेबल टू वाइफ. इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि फोर ग्राउंड्स कौन कौन से हैं और कितने ग्राउंड्स हैं, या फिर इसमें सेक्शन ही पूछ लिया जाता है कि वाइफ जो स्पेसिफिकली ग्राउंड्स वाइफ के लिए अवेलेबल है वो कौन से सेक्शन में डिस्क्राइब किए गए. इट्स सेक्शन 13 क्लॉज 2. क्लियर? अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गिल्ट थ्योरी से रिलेटेड जो हमें याद रखने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन, हमने पहले भी, मैंने बार बार बोला है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा जाता है. तो इस तरह, इसलिए हम कुछ पॉइंट्स को थोड़ा ट्विस्टेड वे में डिस्कस करते हैं. इफ क्रुएल्टी इज प्रोवोक्ड, क्रुएल्टी जो हमने पढ़ा ना, फिजिकल और मेंटल क्रुएल्टी, अगर क्रुएल्टी प्रोवोक की जाती है तो क्या होगा, तो डाइवोर्स जो है वो रिफ्यूज कर दिया जाएगा. उस केसेस में डाइवोर्स नहीं मिल सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी. सी फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी फैमिली में जो उनके इन वाइफ के, लेडी के जो इन लॉज हैं, वो लेडी को काफी परेशान कर रहे हैं, मेंटली बहुत टॉर्चर कर रहे हैं. लेडी ने क्या किया, एक सुसाइड नोट लिखा. शी ट्राइड टू कमिट सुसाइड एक बार दो बार, और उसके जो इन लॉज थे वो उन्होंने उन्हें रोका, उस लेडी को रोका सुसाइड करने के लिए. फिर उन्होंने कोर्ट में ये कहा कि ये जो लेडी है ये बार बार सुसाइड कमिट करने के लिए हमें धमकी दे रही है, इस वजह से हमें मेंटल हैरेसमेंट हो रही है, तो मुझे इस ग्राउंड पर डाइवोर्स चाहिए. जब केस और बाद में खुला तब ये पता चला कि ये जो क्रुएल्टी वाइफ के ऊपर क्लेम की जा रही है वो प्रोवोक्ड क्रुएल्टी है, यानी कि जो इन लॉज है वो इतना ज्यादा परेशान कर रहे थे तब वो सुसाइड की धमकी देने के लिए वो प्रोवोक हुई थी, ये क्रुएल्टी करने के लिए उसे प्रोवोक किया गया था. सो इसलिए उस केस में डाइवोर्स जो है वो रिफ्यूज कर दिया गया. तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि क्रुएल्टी को अगर प्रोवोक किया जा रहा है तो डाइवोर्स जो है वो ग्रांट नहीं किया जाएगा. इफ इनोसेंट पार्टी कंडोन्स द एक्ट ऑफ द गिल्टी पार्टी नो डाइवोर्स कैन बी ग्रांटेड. माफी हमारे इंडियन सोसाइटी में काफी ब्रॉडली एक्सेप्ट किया जाता है, बड़ा दिल होना, माफ करना. तो अगर इनोसेंट पार्टी जो है वो गिल्टी पार्टी के एक्ट को कंडोन कर देती है, एक्सेप्ट कर लेती है, माफ कर देती है, तो डाइवोर्स जो है वो ग्रांट नहीं किया जाएगा. इफ बोथ पार्टीज वेयर गिल्टी डाइवोर्स कुड नॉट ग्रांटेड टू आइदर. अगर दोनों ही पार्टीज गिल्टी हैं, यानी दोनों ने ही ऐसा मैट्रिमोनियल ऑफेंस कमिट किया है, सपोज दोनों ने ही अडल्टरी करी है, तो उस केस में डाइवोर्स ग्रांट नहीं किया जा सकता है. बट बाद में इस कंसेप्ट को चेंज कर दिया गया. पहले तो यही प्रोविजन था कि गिल्ट थ्योरी में अगर दोनों ने गिल्ट किया है तो डाइवोर्स ग्रांट नहीं किया जाएगा. बट बाद में जब सोसाइटी के नीड के अकॉर्डिंग इस मैटर को समझा गया कि जब हस्बैंड और वाइफ दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, दोनों ही मैट्रिमोनियल ऑफेंस कर रहे हैं, तो मैरिज का जो बेसिक पर्पज है, यानी दोनों में आपस में प्यार, ट्रस्ट, ये सब तो कुछ रहा ही नहीं, दोनों तो अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए, मतलब दूसरी तरफ चले गए हैं, दोनों का आपस में तो कोई प्यार ही नहीं है, तो मैरिज का जो बेसिक पर्पज है वो ही खत्म हो गया. तो इसे बाद में इस चीज को अलाउ कर दिया गया था. इसे हम ब्रेकडाउन थ्योरी में आगे पढ़ेंगे. तो फिलहाल अभी इतना समझ के रखिए कि इफ बोथ पार्टीज आर गिल्टी सो डाइवोर्स वुड नॉट बी ग्रांटेड अंडर द गिल्ट थ्योरी. क्लियर? द इंडियन लिमिटेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द पिटीशंस अंडर द मैट्रिमोनियल स्टैट्यूट. इंडियन लिमिटेशन एक्ट पता है,
लिमिटेशन एक्ट में सभी एक्ट्स का लिमिटेशन लिमिट जो पीरियड है वो लिखा हुआ है कि ये होने से इतने टाइम के अंदर आप कोर्ट में जो है वो केस फाइल कर सकते हैं। तो लिमिटेशन एक्ट में वो सारे टाइम पीरियड लिखे हुए हैं, बट ये क्या कह रहा है कि लिमिटेशन एक्ट का जो प्रोविजन है वो मैट्रिमोनियल जो भी स्टैट्यूट्स है उन पर एप्लीकेबल नहीं होता है। यानी मैट्रिमोनियल सूट्स में कि कब हमें डाइवोर्स के लिए अप्लाई करना है या कब हमें हिंदू लॉ के अंदर किसी भी प्रोविजन के अंडर अप्लाई करना है, तो ये मैट्रिमोनियल केसेस में लिमिटेशन एक्ट का जो प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं होता है। सो अनरीजनेबल डिले इज अ बार ओनली टू द मैट्रिमोनियल रिलीफ ऑफ डाइवोर्स। अनरीजनेबल डिले तो अलाउ कर रहा है, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है यानी कि डिले अलाउड है, बट अनरीजनेबल डिले अगर है मैट्रिमोनियल डाइवोर्स के लिए तो अनरीजनेबल डिले को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। डिले इट कैन बी फॉर मोर इयर्स, बट अगर वो डिले कोर्ट को रीजनेबल लग रही है तो ही वो उस पिटीशन को अलाउ करेंगे, अदरवाइज अनरीजनेबल डिलेज आर नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द मैट्रिमोनियल रिलीफ ऑफ डाइवोर्स। क्लियर? अनरीजनेबल डिले को थोड़ा सा समझते हैं। इन द केस ऑफ ज्योतिष चंद्रा वर्सेस मीरा, इसमें 5 to 6 ईयर्स का डिले हुआ था पिटीशन डाइवोर्स के पिटीशन फाइल करने के लिए। क्यों हुआ था? बिकॉज द अवर इंडियन ट्रेडिशन, हमारी इंडियन सोसाइटी जो है उसकी वजह से। क्यों? बिकॉज हर सिस्टर वॉज टू गेट मैरिड। जो लेडी है दैट इज अ वाइफ मीरा, उनकी उसकी छोटी सिस्टर थी, उसकी शादी करवानी थी, इसलिए उन्होंने 5 से 6 ईयर्स टाइम का वेट किया। वो डाइवोर्स तो चाहती थी बट वो 5-6 साल उन्होंने वेट किया ताकि उनकी छोटी सिस्टर की शादी हो जाए। बिकॉज हमारे इंडियन सोसाइटी में ऐसा बहुत खराब माना जाता है कि अगर बड़ी बेटी का डाइवोर्स हो चुका है तो छोटी वाली की शादी कैसे होगी, तो इसमें मैरिज में काफी प्रॉब्लम्स आ सकती है। दिस वॉज अ थॉट ऑफ मीरा। तो उसने ये सोचकर 6 साल डिले किया डाइवोर्स पिटीशन फाइल करने के लिए। सो दिस जो ग्राउंड है डिले का वो कोर्ट में एक्सेप्टेबल हुआ और ये डिले को कोर्ट ने अलाउ कर दिया। इन द नेक्स्ट केस ऑफ टोबाइज वर्सेस टोबाइज, इसमें तो 26 ईयर्स का डिले था। क्यों था? क्योंकि उन दोनों के 2 माइनर सन और 1 डॉटर थी, तो 26 ईयर्स उन्होंने वेट किया ताकि इनके जो बच्चे थे वो बड़े हो गए, पढ़ लिख के सेटल हो गए, डॉटर की शादी हो गई, तब उन्होंने आफ्टर 26 ईयर्स डाइवोर्स के लिए फाइल किया था। तो ये जो डिले है इसे रीजनेबल ग्राउंड माना गया और इन केसेस में 26 ईयर डिले के बाद भी डाइवोर्स जो है वो ग्रांट किया गया था। Now let's discuss more case laws on this. Swapan Ghosh versus Sadanand Ghosh. The case is related to adultery. Subramamra versus Saraswati. This case is also related to adultery. Exam में match the column में ऐसे case laws और ground पूछा जाता है, so इसे case laws के साथ इस ground को line by line याद रखना है. V Bhagat versus D Bhagat. Cruelty as a ground of divorce. रशल वर्सेस रशल, इस केस में क्रुएल्टी का मीनिंग डिस्क्राइब किया गया था। वैसे तो क्रुएल्टी का भी वाइड कंसेप्ट है, एक प्रिसाइज डेफिनेशन इसकी नहीं है, बट फर्स्ट टाइम इन दिस केस क्रुएल्टी का मीनिंग डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई थी। इस केस में ये कहा गया दैट क्रुएल्टी इज अ कंडक्ट ऑफ सच अ कैरेक्टर एज टू हैव कॉज्ड डेंजर टू लाइफ और हेल्थ। यानी कोई भी ऐसा एक्ट जिसकी वजह से लाइफ को डेंजर हो सकता है, हेल्थ को डेंजर हो सकता है, किसी टाइप का बॉडीली या फिर मेंटल इंजरी हो सकती है, सो इसे हम क्रुएल्टी कह सकते हैं। This definition was given in the case of Rushal versus Rushal. In the Savitri versus Moolchand, the mother and the son acting in concert to harass the father amounts to cruelty. This case is also very interesting. इसमें cruelty, cruelty हमने पढ़ा कि किसी भी type का it can be physical harassment or it can be mental harassment. ठीक है? इस केस में क्या हुआ, ये जो mother और son है इसमें child भी involved था cruelty में। Mother और son दोनों मिलके फादर को मेंटली हैरस कर रहे थे। मदर के कहने पे जो छोटा सन वॉज ही वॉज माइनर, ओके इट वॉज आई थिंक सन वॉज 7 to 8 ईयर्स ओल्ड। तो ये जो मदर और सन है दोनों मिल के फादर को इतना ज्यादा मेंटली हैरस करने लग गए थे कि फादर ने मदर और सन दोनों पे क्रुएल्टी के बेसिस पर क्रुएल्टी के ग्राउंड पर डिवोर्स के लिए अप्लाई किया था। तो सावित्री वर्सेस मूलचंद, इसमें मदर और सन दोनों इन्वॉल्व थे फॉर क्रुएल्टी। ओके Here, Ram Narayan versus Rameshwari. The case is related to insanity. Dastane versus Dastane, cruelty. Shyamasundar versus Santa Devi, cruelty. Lakshman versus Meena, desertion. Desertion kyun? Here, jo wife hai Meena, wo for a long period of time apne husband ke ghar ko chhod karke apne parental home mein chali gayi thi aur kafi long time tak dono ke beech mein kisi type ka koi
रिलेशनशिप नहीं रहा था, तो इसी बेसिस पर डिजर्शन के ग्राउंड पर लक्ष्मण ने डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया था। विपिन चंद्रा वर्सेस प्रभावती, दिस केस इज ऑल्सो रिलेटेड टू डिजर्शन एंड केसेस आर सेम। प्रभावती दैट वॉज जो लेडी थी, वाइफ थी, वो अपने हस्बैंड का घर छोड़ के लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने रिलेटिव्स के यहाँ चली गई थी, काफी लॉन्ग टाइम तक, मोर देन 2 ईयर्स। तो इसी ग्राउंड पर डाइवोर्स अप्लाई किया गया था। मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड, द केस इज रिलेटेड टू वेनेरियल डिजीज। अब आते हैं हमारे सेकेंड थियोरी पे, दैट इज द कंसेंट थियोरी। इफ पार्टीज रियलाइज दैट ऑन अकाउंट ऑफ इनकॉम्पेटिबिलिटी ऑफ टेम्परामेंट और सम अदर रीजंस दे कैन नॉट कंटिन्यू टू लिव हैप्पीली एंड हार्मोनियसली, दे कैन सीक द रेमेडी ऑफ डाइवोर्स। ये थियोरीज बाद में डेवलप हुई है, ठीक है। कंसेंट थियोरी ये कह रहा है कि अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर स्पाउसेस को, पार्टीज को ये लगता है कि इन दो लोग जो हैं, इन दोनों का टेम्परामेंट मैच नहीं हो रहा है, दे आर नॉट कॉम्पैटिबल विथ ईच अदर, और ये लोग साथ में हार्मोनियसली हैप्पीली नहीं रह सकते हैं, सो दे कैन सीक द रेमेडी ऑफ डाइवोर्स। इफ बोथ द स्पाउस म्यूचुअली गिव्स देयर कंसेंट्स टू एंड द मैरिज, दे कैन टेक द डिवोर्स। अगर दोनों ही लोग म्यूचुअली इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, ये मानते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, अगर स्पेसिफिक ग्राउंड्स नहीं हो तो भी अगर दोनों म्यूचुअली अग्री करते हैं तो डाइवोर्स ग्रांट किया जाता है, किया जा सकता है अंडर कंसेंट थियोरी। बट मेनी फिलोसफर्स क्रिटिसाइज दिस थियोरी एज दिस कंसेप्ट इज इमोरल एंड लीड्स टू हैस्टी डाइवोर्स। वैसे तो ये कंसेप्ट सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बनाया गया था, बट इस कंसेंट थियोरी को काफी फिलोसफर्स ने क्रिटिसाइज किया क्योंकि ये अच्छाई के साथ साथ अपने साथ बुराई भी ला रही है। क्योंकि मैरिज तो हमारे इंडियन सोसाइटी में, हमारे हिंदू कल्चर में इसे एक बहुत प्योर और 7 जन्मों का रिश्ता हम कह सकते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इस केस में अगर 2-4 कुछ ही टाइम हुए और एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कॉम्पैटिबल नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी छोटी छोटी बात को लेकर भी वो कंसेंट थियोरी के अंदर जो है वो डाइवोर्स उन्हें मिल जाएगा, और फिर ये जो मैरिज का जो पर्पज है, ये जो सिस्टम है मैरिज का, वो ही ब्रेक हो जाएगा पूरी तरह से। इसलिए कुछ फिलोसफर्स जो है वो इस कंसेंट थ्योरी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट जो है वो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13B में एक्सप्लेन किया गया है। बोथ द पार्टीज दैट इज हस्बैंड एंड वाइफ म्यूचुअली अग्री टू ऑब्टेन डाइवोर्स। अगर दोनों ही हस्बैंड और वाइफ दोनों ही म्यूचुअली अग्री करते हैं तो उन्हें डाइवोर्स मिल जाएगा अंडर सेक्शन 13B। तो 13B में म्यूचुअल कंसेंट के अंदर डाइवोर्स अप्लाई करने के लिए क्या बेसिक चीजें जरूरी है। अ डाइवोर्स पिटीशन इज प्रेजेंटेड बाय बोथ द पार्टीज बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर म्यूचुअल कंसेंट है तो और उन्हें सेक्शन 13B के अंडर डाइवोर्स क्लेम करना है, तो दोनों ही पार्टीज को ज्वाइंटली एक एप्लीकेशन करनी होगी इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। द पार्टीज टू द मैरिज शुड हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर। दोनों एक दूसरे से 1 साल अलग रह रहे हो, उसके बाद ही दे कैन फाइल फॉर द डाइवोर्स अंडर म्यूचुअल कंसेंट अंडर सेक्शन 13B। ठीक है, अगर दोनों म्यूचुअली अग्री हैं तो दोनों को 1 साल तक पहले एक दूसरे से अलग रहना पड़ेगा, देन दे कैन अप्लाई अंडर सेक्शन 13B। द पार्टीज शुड सेटिस्फाई द कोर्ट दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू लिव टूगेदर एंड दे हैव बीन म्यूचुअली अग्रीड दैट द मैरिज शुड बी डिसॉल्व्ड। उन दोनों को कोर्ट को ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा, रीजनेबल ग्राउंड देने पड़ेंगे कि क्यों दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, और देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग रीजन टू सेटिस्फाई द कोर्ट। पीरियड ऑफ इंटरेग्नम, द पिटीशन शुड नॉट हैव बीन विदड्रॉन विद इन 6 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन एंड नॉट लेटर देन 18 मंथ्स आफ्टर द सेट डेट। इसमें यह कह रहा है कि पिटीशन फाइल करने के 6 महीने से पहले आप पिटीशन को विड्रॉ नहीं कर सकते हो। ये 6 मंथ का टाइम क्यों है? ताकि जो दोनों हस्बैंड वाइफ है जो म्यूचुअली अग्रीड हैं अपने डाइवोर्स के लिए, उन्हें थोड़ा सा टाइम मिल जाए और डाइवोर्स केस फाइल करने के बाद भी वो अपने डिसीजन पे स्टिक रहें और प्रॉपर सोच समझ के आगे फर्दर प्रोसीड करें कि एग्जैक्टली दे वॉन्ट टू लिव टूगेदर और नॉट। इसीलिए 6 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया गया है। So this was section 13 clause B, 13B that describes the divorce by mutual consent. Now the third theory for divorce is breakdown theory. It is such failure in matrimonial relationship or such circumstances adverse to that relationship that no reasonable probabilities remains for the spouses to live together as husband and wife. Breakdown theory ये कहता है कि किसी
कोई इस टाइप का सिचुएशन, कुछ इस टाइप का सर्कमस्टेंसेस बन जाना जिसकी वजह से हस्बैंड और वाइफ जो है, जो स्पाउस है, वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, और इन दोनों में कुछ भी कुछ ऐसा हो जाना जिसकी वजह से दोनों एक साथ जो अपने मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस है उन्हें नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो ये ब्रेकडाउन थ्योरी अप्लाई होती है, यानी कि उनकी शादी ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है, बस उसमें कोर्ट का ऑर्डर लगना बाकी है कि हाँ अब ये लोग डाइवोर्सी हैं, बट अंदर अंदर इनकी जो मैरिटल केमिस्ट्री है, जो मैरिज का बेसिक पर्पस है, दोनों का प्यार, विश्वास, एवरीथिंग, ये सब पहले ही खत्म हो चुकी है. देयर मैरिज हैज ऑलरेडी बीन ब्रोकन डाउन आइदर ड्यू टू एनी रीजन. तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्हें फिर बाद में ऑन दिस ग्राउंड डाइवोर्स जो है वो ग्रांट होने लग गया. व्हेन मैट्रिमोनियल रिलेशंस हैव सीज्ड टू एग्जिस्ट, स्पाउस जो है, हस्बैंड वाइफ जो है, उनके बीच में किसी टाइप का मैट्रिमोनियल रिलेशन ही नहीं रह गया, दोनों को एक दूसरे में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया. इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज नॉर इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक टू कीप द मैन एंड वुमेन बाउंड एज हस्बैंड एंड वाइफ इन लॉ. अगर दोनों के बीच में कोई मैरिटल रिलेशनशिप ही नहीं है तो फिर सोसाइटी या फिर उनके रिलेटिव उन्हें जबरदस्ती एक रिलेशनशिप में बांध के क्यों रखेंगे. इसलिए लॉ ने भी इस चीज को अलाउ कर दिया कि अगर दोनों ही पार्टीज जो है वो एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, देन दे कैन प्रोसीड फॉर डाइवोर्स अंडर द ब्रेकडाउन थ्योरी. इफ मैरिज हैज इनफैक्ट ब्रोकन डाउन इररिट्राइवली, यानी कोशिश तो की गई लेकिन अब उसमें कुछ नहीं हो सकता, यानी लास्ट होप तक ट्राई किया गया, इररिट्राइवल ब्रोकन डाउन थ्योरी है, यानी कि जो एफर्ट्स है रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए वो सारे एफर्ट्स लिए गए, उसके बाद भी वो दोनों मिलकर शादी को नहीं चला पा रहे हैं, तब ये ब्रेकडाउन थ्योरी जो है वो अप्लाई होती है. मे बी ऑन अकाउंट ऑफ फॉल्ट ऑफ वन ऑफ द स्पाउस और बोथ, ये जो मैरिज ब्रेकडाउन हुआ है, या ये स्पाउस में से किसी एक की फॉल्ट की वजह से भी हो सकता है, या फिर दोनों की फॉल्ट की वजह से भी हो सकता है, जो हमने दोनों का फॉल्ट पढ़ा ना अपने क्रुएल्टी वाले ग्राउंड पे. सो यही कह रहा है कि अगर दोनों की स्पाउस में दोनों की ही गलती है तो ये ब्रेकडाउन थ्योरी के अंदर जो है वो डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. Now coming to some case laws of these breakdown theory and consent theory, Masharati versus Masharati, the case is related to breakdown theory of marriage. इसमें क्या था, दोनों ही parties ने adultery commit करी थी, तो अब दोनों ही parties एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, किसी third person के साथ ये लोग physical relation बना रहे हैं, तो ऐसे में उनका marriage है वो ऐसे भी टूट चुका है, दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, तभी तो किसी और के पास जा रहे हैं. So इस case में the court said that their marriage has been broken down totally और उन्हें divorce grant किया गया. In the case of Vishnu Datta Sharma versus Manju Sharma, breakdown theory was introduced as a ground of divorce. In the case of Neetu Kohli versus Naveen Kohli, this case is also related to the breakdown theory of marriage. Preeti Singh versus Sandeep Singh, इसमें divorce grant किया गया था by mutual consent. So the video ends here. हमने डाइवोर्स जो है वो काफी ह्यूज कंसेप्ट है, हमने इसमें सिर्फ सेक्शन 13 और 3 थियोरीज को भी पढ़ा है. वी विल डिस्कस मोर ऑन दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. सी यू सून विद द न्यू वन.